लॉकडाउन बेले राजधानी में नाबालिका गणदुष्कर्म घटन अभियोग नौ दिन पर भी पुलिस हाथ खाली जड़े पुलिस कर्मचारी समेत सात अभियुक्त मध्य कौन जन को भी एपर्तंत गिरफ्त करें सक्षम हो पारे ना कमिशन पुलिस अभियुक्त ना गाँ ठिका सबकि पुलिस हेले जड़े भी अभियुक्त कमिशनरेट पुलिस पंजा को आसीपारे ना जहाँ राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग को फेराद होती पीड़िता वकिल एभली स्थित पुलिस कार्य दक्षता पर प्रश्न उठाई पीड़िता वकिल घटन जड़े पुलिस कर्मचारी संप्रक्ति थी मामला को चापी देवाई कमिशनरेट पुलिस उद्यम करुच्ची आरोप लगे एमतीक पीड़िता माँ जो गणमाध्यम संस्था चाकरी करुले से गणमाध्यम संस्थार दुईज कर्मचारी दुष्कर्म घटन संप्रक्त अभियोग दुष्मंत बेहरा आम प्रतिनिधि फोन लाइन रोचते दुष्मंत किसम पूर्व जहाँ कहते आमको कि वर्तमान निश्चित भाव पूरा जो घटना घटी आ नौ दिन पर भी जेहेतु पुलिस आक्शन को आसुना समस्त ठिकना ना गाँव किए कौटी रही बाबद सब तथ्य पुलिस हाथ में लग सारा भी कमिशन पुलिस चुप बस समस्त को खटकुची दुष्मंत कौन वर्तमान सुधा सूचना रोचे आप गोटे स्वतंत्र टीम करते जो गोटे तदंतकारी टीम करें कौन करुँच ये अभियोग कहीं सामना को आसुच्ची कमिशन पुलिस चुप रही घटना लॉकडाउन पीरियड रे नाबालिका दुष्कर्म घटना वर्तमान पाखापाखी अभियोग होता 30 अगस्ट रे तेज अभियोग हबार जो पाखापाखि नौ दिन बीती जाइए से स्वतंत्र टीम गठन होने जहां सूचना रही पुलिस सूत्र जो सात जन ए मानने अमानुषिक कांड निभाई नाबालिका सहित से फेरार अच्छी तेबर ना गाँ ठिका सबू जाणीवा सत्वे से संस्था कार्य कर एसबू सत्य वर्तमान सुधा कहीं गिरफ करा वर्तमान सब बड़ प्रश्न तेरे जदि एपरी समय जदि राज्य शिशु सुरक्षा अधिकार आयोग पक्षर आमर जो पुलिस डीसीपी को जो भुवनेश्वर डीसीपी को रिपोर्ट तलब करीपी दृष्टि आकर्षण करेतु ये पुलिस अधिकारी इनवल्वमेंट रही दुई सहयोगी इनवल्वमेंट रही बर्तमान पर्यंत गिरफ कराई से गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि कमिशन पुलिस कार्यशैली अंपटे जदि देखा राज्य शिशु सुरक्षा अधिकार आयोग सी चाइल्डलाइन डीसीपीओ एमने गोटे ऑटोनोमस बॉडी एमने वर्तमान पर्यंत जो कहा नाबालिका को फोन माध्यम रे जो काउंसलिंग करिसेंती जहां वर्तमान अपडेट सूचना रही जो रही राज्य शिशु सुरक्षा अधिकार आयोग से काली नाबालिका को भेटिबार कार्यक्रम रही तबे ए सब भितर जो जो पीड़िता वकिल रही सी आयोग को भेटी अभियोग पत्र देते आठ दिन बीती जाते भी वर्तमान पर्यंत कहीं गिरफ्त कराए कौटि ना कौटि किसी गोटे उपरिस्त महल चाप रोचे कि कहीं एभरी एक संवेदनशील प्रसंग को गुरुत्वर सरकार राज्य सरकार भी नौना पुलिस विभाग भी नौना एपरिक जो कमिशन अच्छी कमिशन रो ऑटोनोमस पावर ऑटोनोमस बॉडी मजिस्ट्रेट पावर रही जदि पुलिस ए घटनार नौ दिन बीती जाते भी कौन पदक्षेप नौना क्राइम ब्रांच को भी लिखित आकार घटनार तदंत करेंगे वर्तमान पर्यंत कौन स्पष्ट चित्र आसुना जहाँफल कि गत काली पीड़िता वकिल कमिशन द्वारस्थ होती तेरे 24 घंटा पर भी वर्तमान पर्यंत द्वारस्थ हबार पीड़िता वकिल वर्तमान पर्यंत कौन पदक्षेप न ना डीजी डीसीपी नीरव रहा केवल तदंतकारी टीम गठन कर तदंत आग को बढ़ुची कहवा ये पूरा घटनाक्रम जब देखने लगुच कौटि ना कौटि कमिशन पुलिस अपारगता सामना को आसमी दुष्मंत गोटे अल्टिमेटम गोटे टाइम लिमिट बर्तमान देखिए किसम पूर्व आपको सूचना दौले जदि सात दिन बहुत आप कहते हैं जाना चाहिए आपूर किमती कौन वर्तमान पीड़िता तरफ पर तरफ वकिलों तरफ गोटे किसी टाइम लिमिट दि जाए कि देखो जो सात दिन गत कथा कमिशन जो शिशु सुरक्षा आयोग कमिशन सहित से सात दिन समय भुवनेश्वर डीसीपी को डीजीपी दृष्टि आकर्षण कर सारी सेपटे आसंता काली कमिशन जो तदंतकारी टीम रही पीड़िता को भेटे तेरे एसबु भितर जदि पुलिस पाखे पुलिस पाखे समस्त तथ्य प्रकार समस्त सब प्रकार तथ्य रही कौन माध्यम चार कर्मचारी किए पुलिस अधिकारी से पुलिस अधिकारी कौटी कार्यरत अच्छा पूरा जदि तथ्य अच्छी बर्तमान पर्यटन कहीं गिरफ्त कर
ଯଦି ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପୀଡିତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ହେଇସାରିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ନ କରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏଇ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଲକଡାଉନର ସମୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ଡ ହେଲେ କେମିତି, ଇଏ ସାତ ଜଣ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି, ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ଚଙ୍ଗୁଲରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଚଙ୍ଗୁଲରେ ଫସୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଏତେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ସେ ସମୟରେ ବି ପୋଲିସ ନୀରବ ବସିଛି କାହିଁକି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣା ଠିଆ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ସହିତ ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।